नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पटना के पर्यटन स्थलों के बारे में। पटना पूर्वी भारत का महानगर कोलकाता के बाद दूसरा बड़ा शहर है। राजधानी होने की वजह से यहां बहुत से ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है जिसकी अपनी एक विशिष्ट महत्ता है। इस पर्यटन स्थल पर आकर आप यहाँ की जीवंतता को महसूस कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर्यटन स्थल की लंबी कतार है जो अपनी खास विशिष्टताओं से सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सबसे पहले हम बात करेंगे महावीर मंदिर की। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की ओर स्थित है यह मंदिर। रेलवे परिसर से ही सटा हुआ है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में इसका विशिष्ट स्थान है। 1730 ईसा में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है और यहां राम सेतु का पत्थर जिसका वजन 15 किलो है कांच के बर्तन में रखा होता है। यह पत्थर पानी में तैरता रहता है। अगर आप चाहे तो मंदिर में पहले से बुकिंग कर किसी भी भगवान का कथा पूजा पाठ करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको बुकिंग के वक्त निर्धारित छोटी सी रकम अदा करनी होगी। आपको बता दें कि महावीर मंदिर का प्रसाद नैवेद्यम का लड्डू पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे तख्त श्री पटना साहिब की। सिख के इतिहास में इसका विशेष महत्व है। देश दुनिया के सिखों के लिए यह विशेष आस्था का केंद्र है। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह से यह संबंधित है। 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव में देश विदेश से लोग आते हैं। पर्यटन स्थल के तौर पर यह बेहद खूबसूरत है। अब आगे हम बात करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान की। यह पटना का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित है। काफी संख्या में लोग यहां पिकनिक मनाने आते हैं। इसकी स्थापना 1969 में वनस्पति उद्यान के रूप में हुई थी। वहीं 1973 में इसे जनता के लिए खोला गया था। इस पार्क में आपको 300 से भी अधिक पौधे की प्रजातियां देखने को मिलेगी। यहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों, मछलियों, जानवरों और सर्पों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलेगी। यह बेली रोड में स्थित है। आगे हम बात करेंगे पटना संग्रहालय की। दार्शनिक स्थल के तौर पर यह भी बेहद प्रसिद्ध स्थल है। 1917 में स्थापित यह बिहार का पहला संग्रहालय है। यहां आपको 20 करोड़ वर्ष पुराने वृक्ष का अवशेष देखने को मिलेगा। यहां देखने योग्य काफी चीजें मौजूद है। बौद्ध, हिंदू, मौर्य, गुप्त काल से जुड़े विभिन्न चीजें सुरक्षित रखी गई है। लोग इसे जादूघर के नाम से भी जानते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बुद्धा स्मृति पार्क की। पटना रेलवे जंक्शन के पास ही 22 एकड़ जमीन में बुद्धा स्मृति पार्क बना है जिसे बनाने में 125 करोड़ रुपए की राशि लगी है। इसमें 6 देशों से लाए गए बुद्ध के अस्थि अवशेष की मंजूषाएं रखी गई हैं। यहां लेजर शो दिखाया जाता है जिसमें रामायण, महाभारत, गौरवशाली इतिहास और भारत के महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है। यह देश विदेश के मुख्य आकर्षण केंद्र है। विपश्यना मेडिटेशन सेंटर विशेष आकर्षण है। पार्क ऑफ मेमोरी खुला स्थान है जिसमें कई देशों के विशिष्ट स्तूप है। इसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे आकर्षण यहां मौजूद है जिसे देखकर आपको पर्यटन का आनंद मिलेगा। दलाई लामा ने इसे पाटलिपुत्र करुणा स्तूप का नाम दिया है। स्मृति बाग, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन सेंटर, पाटलिपुत्र करुणा स्तूप काफी आकर्षक है। अब आगे हम बात करेंगे गांधी मैदान की। पर्यटन के तौर पर पटना का गांधी मैदान भी अपने आप में विशिष्ट महत्व रखता है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। महात्मा गांधी का विश्व में सबसे ऊंचा प्रतिमा यहीं पर स्थित है। भारत के आजादी से जुड़ा कई रैलियां यहां से निकाली गई हैं। कई महापुरुषों ने इस स्थान पर अपना यादगार भाषण भी दिया है। यह मैदान 60 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहां आकर आप अलग ही प्रकार का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे श्रीकृष्ण साइंस सेंटर की। यहां आपको कई प्रकार के विज्ञान से जुड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। पर्यटन के तौर पर विज्ञान केंद्र बेहतरीन विकल्प है। आपको यहां विभिन्न प्रकार के दर्पण मिलेंगे। यहां विभिन्न महापुरुषों के स्टैचू बनी है। पार्क, कुएं और बच्चों के खेलने के लिए पर्याप्त साधन है। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं। यहां के डिजाइन और विज्ञान की वस्तुएं को देखकर आप रोमांचक हो उठेंगे। फन साइंस गैलरी, पॉपुलर साइंस गैलरी, विश्व रूपा, 3D शो, महासागर, जुरासिक पार्क, इवोल्यूशंस, चित्रों और रंगों का
का अवधारणा और उनका परावर्तन का दृश्य मौजूद है। विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां आपको सहज ही अपनी ओर खींच लेंगी। अब आगे हम बात करेंगे कुम्हरार पार्क की। यह पर्यटन स्थल के तौर पर एक ऐतिहासिक स्थल है जहां विभिन्न राजाओं और उनके काल से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य और अवशेष मौजूद है। यहां आकर आप इतिहास और उत्खनन से जुड़े बहुत सारे साक्ष्य देख सकेंगे। अब आगे हम बात करेंगे अगम कुआ की। यहां पर कुआ है जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस कुएं को लेकर मान्यता है कि इसका पानी सूखे आने पर भी नहीं सूखता है और बाढ़ आने के बावजूद इसके जल स्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। इसके अलावा यहां शीतला माता का मंदिर है जिसमें सात मातृ देवी के पिंडों की पूजा की जाती है। देवी माता के लिए भी यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। आगे हम बात करेंगे गोलघर की। 20 जुलाई 1786 को गोलघर का निर्माण हुआ था। इसमें एक ही बार में 14 लाख टन अनाज का भंडारण किया जा सकता है। दरअसल सूखे से निदान के लिए ही इसकी व्यवस्था की गई है। इसकी ऊंचाई 125 मीटर और चौड़ाई 29 मीटर है। इस पर 145 सीढ़ियां बनाई गई हैं जिसके द्वारा आप ऊपर चढ़ सकते हैं, पूरा पटना देख सकते हैं। इस जगह से आप गंगा के दृश्य को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में आपको राजधानी पटना के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया है। हम आगे अन्य वीडियोस में आपको दूसरे जिलों के पर्यटन स्थलों के बारे में भी जरूर बताएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी पटना का भ्रमण किया है या आप पटना के हैं तो आपके अनुसार पटना के कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने वीडियोस में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।